साथियों सत श्री अकाल, जय भीम, नमस्कार, आदाब। आज मैं यहाँ इस समय सिंघू बॉर्डर पे हूँ और इस किसान आंदोलन में आज 109वां दिन है। ये आंदोलन इन 109 दिनों में कई तरह के पड़ावों से गुजरा है और आज गुजरते गुजरते यहाँ तक पहुँचा है। इस किसान आंदोलन ने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं और 26 जो जनवरी का एक घिनौना षड्यंत्र इस सरकार ने इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए किया, वो भी सबने उसका नज़ारा देखा। लेकिन एक बड़ी दिक्कत उसमें हो रही है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अपने ढंग से होनी चाहिए, लेकिन पुलिस एक बहुत ही गलत काम कर रही है लगातार। जो भी व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, इस तरह की न्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा है इस आंदोलन में से निकल के, पुलिस उसको अरेस्ट कर ले रही है, उसको गिरफ्तार कर ले रही है और फिर उसको जेल भेज दे रही है। मतलब ये बड़ी एक अजीब स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति जा रहा है, आप उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दे रहे हैं। आप ये मान ले रहे हैं कि जो किसान आंदोलन में जा रहा है वो कोई अपराधी है और आप कानून को ताक पे रख के लोगों को परेशान कर रहे हैं। यहां तक कि लोगों को गुरुद्वारे तक भी नहीं जाने दिया जा रहा है, वहां भी अरेस्ट कर लिया जा रहा है, उससे पहले भी अरेस्ट कर लिया जा रहा है। ये बड़ी अजीब स्थिति है। एक और बड़ी मेरे सामने जो स्थिति आई है, जो अभी लोग, मैं जैसे यहां पे आया हूं इस आंदोलन में, तो पीछे साथी बता रहे कि जो किराया भी लिया जा रहा है वो किराया भी यहां आने वाले लोगों से डबल लिया जा रहा है। ये कैसे लिया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे। मतलब जो किराया वहां से लेके यहां तक माना 15 रुपए लगता है, उससे 30 रुपए लिए जा रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, मैं समझ रहा हूं कि सरकार पुलिस के माध्यम से इस आंदोलन में आने वाले लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस आंदोलन में लोग शामिल ना हों, इस आंदोलन की ताकत ना बढ़े, ऐसा प्रयास, ऐसा घिनौना प्रयास सरकार पुलिस के माध्यम से कर रही है। किसान इंसान है, कोई वो नहीं है जो उन्हें बड़े विशेषण दिए गए। और पुलिस वालों से मेरा निवेदन है कि तुम भी सरकार की गुलामी में ऐसे मत डूब जाओ कि इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार कर दो या खत्म ही कर दो। तुम भी इंसान हो, कल तुम्हारे साथ भी जो है ये सिचुएशन हो सकती है। सरकार तुम्हारे खिलाफ भी कोई ऐसे कानून बना सकती है, तो तुम्हें भी इंसानियत को कम से कम सामने रख के लोगों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। ऐसा ना करे पुलिस, ऐसा मेरा आग्रह है, ऐसा मेरा आग्रह है। दूसरा, इस आंदोलन में जिस तरह से यह आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आज 109 दिन में भी इस आंदोलन की ताकत कम नहीं हुई है, बल्कि बहुत बढ़ गई है। यह आंदोलन सरकार के हिसाब से, जो सरकार कल कहती थी कि यह पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, फिर सरकार ने कहा कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, फिर इस पर एक ठप्पा लगाया कि यह जाट आंदोलन है। यह ना पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, ना ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, और ना ही ये जाट आंदोलन है। ये किसान और मजदूरों का आंदोलन है और किसान इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और देश को बचाने का आंदोलन है। ये सरकार जिस तरह से इन कानूनों को लेकर आई है, कोई भी संवेदनशील सरकार ऐसा कानून नहीं ला सकती, लेकिन ये सरकार तो निश्चित रूप से तानाशाह सरकार है और देश की बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बनाने के लिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए काम करने वाली सरकार, जो सपना इनका कभी पूरा नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि यह सपना सपना ही रहेगा और पूरी तरह से टूट जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन इस सपने को साकार करने की चाहत में जिस तरह से देश को तबाह कर रही है सरकार, जिस तरह से देश के हर व्यक्ति की जिंदगी इसने दांव पर लगा दी है, ये बहुत गलत है। सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इन कानूनों को तत्काल वापस लेना चाहिए। वैसे तो इसमें बहुत सी चीजें जिन्हें मैं आपको बताता रहा हूं, लगातार बताता रहा हूं, वीडियोस में मैंने लगातार बताया है, जो पत्रकार मेरे से सवाल पूछते हैं उसमें मैंने सारी चीजें लगातार बताई हैं कि किस तरह से न केवल देश के
14,64,000 किसानों को यह तबाह कर देगा, बल्कि इस देश के जो 82 करोड़ गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनके लिए सरकार, इस देश की संसद ने 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था और इस देश के गरीबों को राशन की 5 लाख दुकानों के माध्यम से सस्ते कम दामों पर अनाज देने की बात कही थी, और यहां तक भी कहा था कि इन गरीब लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने की व्यवस्था की थी। तो वो 82 करोड़, ये सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार ने जितने लोग कोट किए हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, इन्हें 82 करोड़ गरीब और मजदूरों को तबाह कर देगा ये कानून। क्यों क्यों कर देगा? एक बहुत छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब किसान और ट्रेडर के बीच में, आप मान के चलिए कि पूरे देश में अगर ये कानून जब लागू होगा और पूरे देश में किसान की तमाम जमीन पर उगने वाली फसल का एग्रीमेंट व्यापारियों से हो जाएगा, और उस एग्रीमेंट में जो उस फसल की कीमत है कि किस रेट में व्यापारी उसे खरीदेगा, यह भी तय हो जाएगी फसल के बोने से पहले ही, तो फिर एमएसपी कहां से होगी? इसका मतलब यह है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, और कल आप सरकार से गुहार जब करोगे कि हमें एमएसपी नहीं मिली, तो सरकार बहुत साफ कह देगी, भाई तुमने अपनी मर्जी से जो एग्रीमेंट किया, तुमने अपनी मर्जी से अपनी फसल का दाम तय किया, तो हम इसमें कैसे एमएसपी दिलवा सकते हैं आपको? और सरकार ने कहीं भी इस कानून में एमएसपी का इस तरह से जिक्र नहीं किया कि जो भी एग्रीमेंट होगा, फसल की जो भी कीमत तय होगी, वो एमएसपी से कम पे तय नहीं होगी, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है। तो एमएसपी खत्म होगी, मोदी जी बेशक कहते रहे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी खत्म होगी। अब मैं उस बात पे आता हूं कि इस कानून से किस तरह से ये सारे लोग तबाह होंगे और जो गरीब है उसको राशन कैसे नहीं मिलेगा। जब पूरे देश में सारी जमीन पर होने वाली फसल का एग्रीमेंट व्यापारी से होगा, तो जब फसल कट के आएगी सारी फसल व्यापारी के गोदाम में चली जाएगी। तो इन 82 करोड़ लोगों को, जिनके लिए 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था, उनके लिए राशन की दुकानों पर देने के लिए अनाज कहां से आएगा सरकार के पास? कहीं अनाज नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से, इस कानून के हिसाब से सारा अनाज तो व्यापारी के गोदाम में चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो 82 करोड़ लोग हैं वो भूखों मरेंगे, और सरकार यही चाहती है। सरकार जिस हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर काम कर रही है, उस हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर वो लोगों को इतनी बड़ी संख्या में गुलाम बनाकर ही काबू में रख सकती है, और गुलाम बनाने के लिए 2 चीज चाहिए। एक, उनकी शिक्षा खत्म कर दो, तो सरकार ने शिक्षा खत्म कर दी, प्राइवेट कर दिया, सरकारी स्कूल कॉलेजों की हालत खस्ता हो गई। तो शिक्षा खत्म यानी ज्ञान खत्म यानी जानकारी खत्म, और जानकारी खत्म तो आप अपने आप में कमजोर हो गए। दूसरा, लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, और रोजगार खत्म, आमदनी खत्म, नौकरी खत्म, तो आर्थिक रूप से व्यक्ति की कमर टूट जाएगी, मतलब व्यक्ति अपने केवल पेट के लिए रह जाएगा। तो इस, ये जो षड्यंत्र है पूरा, उस षड्यंत्र के तहत इन कानूनों को लाया गया है, और इन कानूनों के माध्यम से 82 करोड़ गरीबों को तबाह करने की पूरी साजिश है। केवल किसान नहीं, 14,64,00,000 किसान, 82 करोड़ गरीब, और कुल मिलाकर अगर देखते हैं, वो छोटा व्यापारी जो खाद, बीज, पेस्टिसाइड, मशीनरी, ये सारी चीजें बेचता है, वो व्यापारी खत्म होगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि इस देश में इस कानून के माध्यम से लगभग 120 करोड़ लोगों से ज्यादा की संख्या को पूरी तरह से तबाह करने और गुलाम बनाने के लिए कानून लाया गया। वैसे अगर देखा जाए तो जो प्राकृतिक न्याय की बात करते हैं, नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, हर वो कानून जिस कानून में अदालत का दखल रोका जाए, यानी उस कानून के तहत अगर कोई काम होता है तो कोई व्यक्ति अदालत नहीं जाएगा, ये रोक अगर लगाई जाए, अपने आप में ही वो कानून पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। और इस कानून में ऐसा ही है, इस कानून की जो धारा 20 में यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस कानून के लिए अदालत में नहीं जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि कानून
गैर कानूनी, गैर संवैधानिक। मेरा एक सवाल है बहुत छोटा सा, अगर मोदी सरकार द्वारा लाए गए ये कानून सही हैं, ये मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानून अगर लोगों की भलाई के लिए हैं, अगर सरकार की नीयत साफ है, तो फिर अदालत में जाने की रोक क्यों लगाई गई? अदालत में ना जाए कोई व्यक्ति, ऐसी रोक क्यों लगाई गई? सरकार को होना चाहिए कि कोई कहीं भी जाओ, हमने जो फैसला किया अगर लगता हमारा फैसला गलत है तो आप जहां हो अदालत में कौन सी दिक्कत है, नीचे जाओ कोर्ट में, ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, क्यों दिक्कत है? लेकिन अगर रोका गया है इसका मतलब यह है सरकार की नीयत खराब है। और यह सच है कि इस मोदी सरकार की नीयत खराब है, क्योंकि जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं ये नहीं चाहते कि कहीं से भी इस सरकार के काम में रुकावट आए। और अदालत में, माना अदालतें भी अब सरकार के हिसाब से काम कर रही हैं, पर कुछ जजेस तो ऐसे ईमानदार, इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रांग हैं, कानून इतना बढ़िया तरीके से समझते और लागू करते हैं कि सरकार के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इसलिए अदालत में जाने से ही रोक दिया जाए, नंबर एक। और नंबर दो, जिस तरह से बात कही है कि इस जो एग्रीमेंट वाला कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, उसकी धारा 18 के तहत एक बड़ी अजीब बात की गई है, बहुत मजेदार बात। आप देखें कि एक व्यक्ति के हाथ में आपने हथियार दे दिया मेरी गर्दन काटने का, और उसने मेरी गर्दन काट दी और फिर कह दिया भाई इसके खिलाफ कुछ काम नहीं है, इसके खिलाफ कोई नहीं होगा। यही इस कानून के, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो धारा 18 है उसमें है। क्या है उसमें? उसमें कहा गया है कि इस कानून के तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी अधिकारी, SDM, ADM, DM, कोई भी काम करेगा, कोई भी फैसला लेगा, उसके खिलाफ आप किसी अदालत में नहीं जा सकेंगे, उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ना तो सिविल सूट फाइल होगा, ना ही कोई फौजदारी मुकदमा उसके खिलाफ होगा, और ना ही किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अधिकारियों को खुली छूट दे दी, जो मन में आए करें, यानी अधिकारियों को इतना संरक्षण दे दिया, वो व्यापारी जिस पर अथाह संपत्ति है, वो पूंजीपति जिसके पास इतनी संपत्ति है कि उसको पता ही नहीं है, और उनके साथ में सरकार खड़ी है, देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, पूरा शासन प्रशासन खड़ा है, ऐसे लोगों के हाथ में, ऐसे लोगों के सामने आपने एक गरीब और मजबूर किसान को छोड़ दिया, जिंदा रह पाएगा वो या पूरी तरह से तबाह हो जाएगा? बिल्कुल तबाह हो जाएगा, ऐसा ये कानून है। तो जो कानून अधिकारियों को खुली छूट देता हो कि वो कुछ भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक इसी तरह से ऐसा समझे आपको कि जब कोरोना काल में मई में, शायद 24 या 25 मई के आसपास की बात होगी, जब 17 मई तक ये 20 लाख करोड़ का झुंझुना पकड़ाया था इसने उसके नाम पे कि ये सपोर्ट कर रहे हैं देश के लिए, एक वो लेके आए हैं मोदी जी सपोर्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज लेके आए हैं। उसके बाद में 5-7 दिन बाद एक मीटिंग करी थी वित्त मंत्री ने उनके साथ में, जो बैंक के लोग हैं उनके साथ में, और बैंक वालों को खुली छूट दे दी थी कि आप जिसको जो लोन देना है दो, जो भी शर्तें हो दो, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब साफ है कि आपने जिसको ये छूट दे दी कि तुझे जो करना है कर, तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो बेईमानी होगी होगी, लूट होगी होगी, भ्रष्टाचार को आपने खुली छूट दे दी। तो ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में खुद डूबी है और भ्रष्टाचारियों को पैदा कर रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। ठीक इसी तरह से इस कानून के तहत सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को पूरी छूट दे दी गई है, और यह भी कह दिया गया कि उनका जो फैसला, यानी DM का फैसला या ADM, इनका फैसला लास्ट होगा, और वो ऐसे होगा जिस तरह से भारतीय जो कानून है उसकी CPC यानी सिविल जो प्रोसीजर कोड है, दीवानी प्रक्रिया संहिता जो, उसके तहत जो फैसला होगा उसको लागू होगा, जो डिक्री होगी उसकी तरह से मानी जाएगी। यानी CPC के तहत आप उसको मान कर रहे हैं, लेकिन CPC के तहत किसी भी जज को उस पर मतलब हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, वो उसके कोई मुकदमे देखने का अधिकार, ये है। इसलिए ये कानून पूरी तरह से गलत है, और ये बात मैं बार बार बता चुका हूं, हर कोई बता चुका है, शुरू से ये बात है कि ये कानून बनाने का केंद्र सरकार को अधिकार नहीं, क्योंकि ये कानून स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 246 246 के तहत 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची में जो सेकंड लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, उसके अंतर्गत सीरियल नंबर 14 पर एग्रीकल्चर यानी कृषि और सीरियल नंबर 28 पर मार्केटिंग, ये आते हैं।
ये सेंटर के सब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटर के सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटर को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, और मोदी जी ने जबरदस्ती ये कानून बनाए। इसको ऐसे समझिए आप कि एक खेत मेरा है, मैं जो चाहूं करूं, एक खेत आपका है, आप अपने खेत पर जो चाहे करें, लेकिन अगर मैं आपके खेत पर कब्जा करके कहूं कि नहीं मैं तो इस पर मैं करूंगा, मैं मालिक हूं, तो कैसा लगेगा? ये अवैध कब्जा हो गया। और इसी तरह से ये सरकार इस देश में ये कानून लाके इसको तबाह करना चाहती है, और केवल इसके पीछे इतनी इंटेंशन नहीं है, राज्य सरकार का अधिकार छीन कर कानून बनाना, इस देश का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको भी खत्म करने का एक षड्यंत्र है। जैसे इस सरकार ने जीएसटी बनाया, और जीएसटी बनाकर जो स्टेट को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था, उसके माध्यम से, सेल टैक्स के माध्यम से, उस सबको इकट्ठा कर दिया, तो इकट्ठा तो कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा था वो अभी तक उसे दिया नहीं है। यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा जाना चाहिए था, जो उसकी इनकम थी, जो उसका हक था, वो भी इस केंद्र सरकार ने लूट के अपने पास में रख लिया, उनको पैसा नहीं दिया, और कह रही है कि आप रिजर्व बैंक से कर्ज ले लो। क्यों ले लें भाई कर्ज? मेरा पैसा है, मुझे दे दो। ठीक इसी तरह वो क्यों किया गया? क्योंकि इस देश के संघीय ढांचे को खत्म करना है। आपको ध्यान आता है मोदी जी कहते हैं एक नेशन एक इलेक्शन, इसका मतलब सीधा यह है कि एक इलेक्शन, ऐसा नहीं कि एक साथ इलेक्शन, एक इलेक्शन का मतलब है केवल मोदी जी का इलेक्शन, मोदी जी ही है सब कुछ, ये है इसका मतलब एक नेशन वन नेशन और वन इलेक्शन का। तो देश, उसके लिए देश को संघीय ढांचा जो है उसको कमजोर करना पड़ेगा, स्टेट को खत्म करना पड़ेगा, स्टेट की विधानसभाएं उनको खत्म करना पड़ेगा, और जब उनका आप पैसा छीन लो, पैसा अपने पास रख लो, और उनका कानून बनाने का अधिकार आप छीन लो, तो इसका मतलब यह है कि आप राज्यों को कमजोर कर रहे हैं, इस देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। ये बड़ा भयानक षड्यंत्र है जिसको लोगों को समझने की जरूरत है। आज बस इतना ही, बाकी बातें बाद में।